हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैं आज ऐसा विंग लाइनर भी सिखाऊंगी और प्लस ये फेस वाला लाइनर जो आप कहीं भी जाओगे लगा के तो बहुत अट्रैक्टिव लुक देता है, आपको मैं ये एक बार में ही लगाना सिखा दूंगी। तो आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से मेरे वीडियोज़ को देखना और मैंने जिस तरह से जो जो किया है आप वैसे ही पूरा करना। और थ्रेडिंग और ऊपर से आई मेकअप आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको पूरा ये लाइनर का ट्यूटोरियल दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लाइनर लगाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया हुआ है देखो, और फिर मैंने फाउंडेशन लिया है और आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मस्कारा लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मस्कारा ले सकते हो। और मैंने लैक्मे का लाइनर लिया है। याद रखना हमेशा क्वांटिटी बहुत कम करके ही लाइनर को स्टार्ट करना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ये फैल सकता है आपकी आँखों पर। और उसके बाद मैंने देखो कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, आप किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर सकते हो, लूज पाउडर भी यूज़ करते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, तो अब आपको फाउंडेशन को हल्के हल्के अपने हाथों से उंगली से इसको ब्लेंड कर लेना है आँखों के ऊपर। ये आपके आँखों को कवर कर देता है, बहुत अच्छा लगता है और फिर बहुत स्टे होता है। फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से अगर आप सेट कर देते हो तो आपका लाइनर भी बहुत देर तक स्टे करेगा, बहुत फैलेगा नहीं और बहुत अच्छा लुक आएगा। तो अब आप देखो कि मैंने लाइनर का ब्रश कैसे लिया है। देखो आईज़ के लास्ट कॉर्नर से आपके थ्रेडिंग के कॉर्नर को अपवर्ड साइड आपको लेके जाना है। हमेशा आपको विंग ऐसे ही बनाना है, कभी भी सीधे नहीं लेके जाना है। आपको हमेशा अपने थ्रेडिंग के लास्ट कॉर्नर को के पास वाले लाइन पे ही लेके जाना है। फिर आपको सबसे पहले डॉट बनाने हैं। ये डॉट आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइनर को सेट करने में। मीन्स अगर आपका एक सेट हो जाता है कि मुझे ये ड्रॉ लाइन है, अब इसके ऊपर ही मुझे ड्रॉ करना है, तो आपको बहुत आराम होगा। पहले आप छोटे छोटे डॉट बना लो और उसको पहले आप फिल करो, तो आपकी एक लाइन तैयार हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। देखो मैंने ऐसे ही अपने डॉट को पहले फिल किया और फिल कर। अब देखो मैं विंग के पास छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। ये डॉट्स हेल्प करेंगे आपके विंग को कंप्लीट करने, और मैं इसी को फिर फिल करूँगी, फिर इस पर लाइन ड्रॉ करूँगी। तो देखो मैंने वो डॉट के सहारे पूरा लाइन ड्रॉ कर लिया हेल्प से। अब मैं इसको धीरे धीरे फिल करना स्टार्ट करूँगी। देखो लाइन ड्रॉ हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको ध्यान से देखना। फिर मैं इसको अच्छे से वो कर लूँगी फिल करने के बाद। अब मैं धीरे 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 इसको आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा विंग हल्का है। तो अब मैं इसको बहुत डार्क करूंगी। जितना डार्क करोगे आपका लाइनर उतना ही सुंदर, आंखें आपकी बहुत उभड़ के बड़ी बड़ी दिखेंगी। तो आपको थोड़ा सा डार्क लगाना है, तो इससे आपकी आंखें भी बड़ी लगेंगी प्लस आपका लाइनर बहुत सुंदर लुक देगा। तो अब मैं आगे के साइड से भी इसको अच्छे से फिल करती रहूँगी। और देखो जो मैंने डॉट्स बनाए थे उतना ही मैंने बस फील किया था, तो अब मैं उसको थोड़ा सा और मोटा करूँगी, थिक करूँगी, ताकि और सुंदर लगे। तो मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, मैंने जितने डॉट्स बनाए थे सबको फील कर लिया। देखो ये फर्स्ट लुक है, तो अब मैं इस पर सेकेंड लुक रेडी करती हूँ। तो अब मैं इस पर फिश वाला लुक स्टार्ट करूँगी। आप वैसे भी लगा सकते हो लाइनर, ये आपको परफेक्ट लुक दे देगा, लेकिन मैं इसमें एक और पार्टी लुक देती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, नीचे साइड से हल्के हल्के, बहुत कम क्वांटिटी में आपको लाइनर लिक्विड लेना है। तो आपका एक हल्का सा स्ट्रक्चर देखो तैयार हो गया। मैं नीचे साइड डॉट नहीं लगाया, मैंने हमेशा ऊपर साइड डॉट लगाना है, नीचे नहीं लगाना है। तो फिर मैं नीचे साइड में लास्ट कॉर्नर को देखो कैसे ऐसे मैंने लाइन बना लिया। अब आपको इस लाइन को फिर आगे जाके फिल करना होगा। तो अब मैं आगे से भी थोड़ा सा फिल करूँगी, ताकि मेरा लाइनर बहुत सुंदर दिखे और आंखें बड़ी लगे। तो अब देखो मैंने अच्छे से लाइनर लगा लिया। अब मैं थोड़े से उंगली से, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाता है तो इसे उंगली से मैं सेट कर लूँगी, ताकि बहुत गंदा नहीं, बहुत इवन लुक आए। देखो अब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैंने हल्का सा काजल लगाया है नीचे, लाइनर नहीं। तो अब देखो मैं अब मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी। अब मुझे विंग थोड़ा सा कम लग रहा था नीचे के अकॉर्डिंग, तो मैं अब हल्का हल्का करके ऊपर बढ़ाऊँगी और नीचे भी इसको फिल करते हुए आगे लेके जाऊँगी। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो फैल सकता है। अब मैं मस्कारा लगाऊँगी, और मस्कारा आपको सेक मोशन में लगाना है। अब देखो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।